भाई सिली स्पोर्ट्स भाई वापस चिकन इधर निकालने वाला है क्या सिली स्पोर्ट्स? यू गॉट बी किडिंग मी, वाओ आई एम बियॉन्ड इंप्रेस्ड भाई, आई एम बियॉन्ड इंप्रेस्ड बाय सिली स्पोर्ट्स। दिस कांट बी कोइंसिडेंस राइट? क्या बात है ब्रो, ब्रो छह मैचेस खेले थे ये, आई थिंक तीन चिकन इधर निकाले ये, तीन दैट आई कैन थिंक ऑफ। तो हेलो एवरीवन, दिस मिस्टर पैकेज, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम देखने जा रहे हैं ये बीएमपीएस राउंड वन का डे टू। डे वन वाज इंटेंस, बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, फाइनली कुछ चीजें रिवील हुआ है विद रिगार्ड्स टू आईक्यू सोल, एस्पर एग्जैक्टली क्यों लीव किया एंड निंजा जॉर्ड क्यों ज्वाइन किया, इसके बारे में लेट्स ग्रो स्पोर्ट्स ने एक पोस्ट डाला है। ट्रांसफर ऑफ निंजा एंड जोकर वाज प्लान टू हैपन बिफोर बीजीआईएस, हाउएवर व्हेन टीम एक्सपार्क वांट बीजीआईएस, निंजा कुडंट लीव एट द टाइम। आईक्यू सोल्स रोस्टर इंक्लूडिंग एस पावर वाज ऑलरेडी डीलिंग विद सम इंटरनल इश्यूज दैट हैड बीन ऑनगोइंग सिंस देयर टाइम विद ब्लाइंड। भाई ब्लाइंड के टाइम से इंटरनल इश्यूज चल रहा है। एस पावर डिडंट वांट टू प्ले एज अ फिफ्थ प्लेयर, शायद जब परफॉर्मेंस डाउन होगा ना तो शायद एस पावर को फिफ्थ प्लेयर बनने के लिए रिकमेंड किए होंगे, विच एस पावर क्लियरली डिड नॉट लाइक। मे बी वो हो सकता है इंटरनल इश्यू, आई एम नॉट श्योर, बट दीज इश्यूज वेरेंट ए मेजर कंसर्न फॉर देम एज द टीम वॉज स्टिल परफॉर्मिंग वेल। हाउएवर मोर इश्यूज रिगार्डिंग दिस विच लेड टू एस पावर लीविंग आईक्यू सोल। नाउ द जोकर इज ऑल्सो अवेलेबल, द ट्रांसफर दैट वॉज सपोज टू हैपन अर्लियर टुक प्लेस, विच इज निंजा जॉर्ड इन आईक्यू सोल एंड जोकर इन टीम एक्सपार्क एंड एस पावर इन मोगो। एवरीवन आर हैप्पी इन देयर न्यू ऑर्ग्स, आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। इसके ऊपर आपका क्या कॉमेंट है जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। आफ्टर दिस चेंजेस कौन सा टीम मचाने वाला है, आईक्यू सोल, टीम एक्सपार्क और मोगो? कॉमेंट डाउन बिलो। Now coming back to BMPS day one, it was intense. 8-bit, silly esports and global esports. Three teams ne machaya tha. Some teams struggled like VST, Snacks ka team and K9 squad. Even GenX FM, hope they make a comeback today. Jo bhi hoga, aaj comeback ka din hai, bahut maza aayega. Apna video mein aage badhne se pehle, niche ek like wala button ko usko fatafat kar dena. Aise videos har roz dekhne ke liye. And also subscribe kar do yaar, we're very close to, you know, kar do yaar subscribe. And with that being said, now let's get started. And also यार official tournament है, मतलब कोई ban van खा के काफी दिन हो गया, मतलब समझ रहे हो आजकल कोई सस भी नहीं लग रहा है। अंदर से कुछ तो हूँ बट पता नहीं, मिस कर रहा हूँ यार मैं। Are you guys missing as well? चलो the match one is about to begin, let's go. उनको लगे कि नहीं शायद अब बदलाव करने की जरूरत पड़नी चाहिए, तब वो कर भी सकते हैं, पर इन सबके बीच में भाई BGMS नहीं चल रहा है, BMPS चल रहा है, इतना अर्ली फाइट क्यों? वो टीम है कौन सी? सिली के दो बंदे नॉक, भाई आदित्य वो आए और आते ही आदित्य ओए उछल दिया आदित्य को भी। 2v2 और साथ ही साथ उनके सिली स्पोर्ट्स वर्सेस 8-bit। ये तो ऑलरेडी पोडियम की जो टीम से वो, बट इतना अर्ली फाइट क्यों हुआ? मजा बहुत ज्यादा, हेलमेट भी नहीं है इसके पास तो। जीत होगी किसकी? 1v2 की वो बैटल में देखने को मिल रही है, खिलाड़ी को नॉक वहां पे किया गया और वहां पे क्या बात है ब्रो, उनको डाउन किया। 1v2 दैट वाज अ प्योर 1v2 फ्रॉम हाइड्रो करके जाएंगे। Good job, bro. This team is a team to look out for. Silly Esports कल भी बढ़िया खेले, आज का शुरुआत भी खतरनाक, टेबल टॉपर्स को पेल डाला भाई। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स वर्सेस एन अंडरडॉग टीम रे ईस्पोर्ट्स। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स तो फाइट लेगी ही लेगी, हेक्सर वो डाउन करे गए और बाकी खिलाड़ियों को देखें वो गाड़ी लेकर अभी भी जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो लेने की कोशिश ही बस कर रहे हैं। इस टीम का हेक्सर एक बंदा नॉक है अभी, उनको वापस से ऊपर आना है, रोटेस लगा कि वो डाउन करेगा और एक्स्ट्रो एक स्प्रे में बूगी ने बीस्ट एंड स्लग दोनों को नॉक किया, इंस्टेंट पेटी भी। भारी दिक्कतों का सामना करते निंजा वॉय इज नॉट रनिंग अवे, ही इज टेकिंग द फाइट, लुक्स लाइक नाइस नॉक, पहला वाला बहुत बढ़िया इंस्टेंट पेटी, शॉट्स कनेक्ट हुए नहीं, फ्लेक्सी मावी का है अभी भी, वो मावी नॉक पड़ा है नीचे, वो भी मौजूद। निंजा वॉय इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जहां पे निंजा वॉय को संभालना है अपनी टीम को क्योंकि मवी वो भी डाउन हो चुके हैं और एक ग्रेनेड के साथ। प्रो सीरीज मतलब सिर्फ प्रोस आए भाई इधर, कोई हल्का प्लेयर्स नहीं है इधर। अभी भी फर्स्ट टाइम आई एम लुकिंग एट दिस प्लेयर्स, बूगी फ्लेक्सी और भी जगह से जो शॉट्स हैं, बट उन लोग ने ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के साथ हेड टू हेड फाइट में ऑलमोस्ट जीत गए, जस्ट निंजा बॉय को मारना है उनको बस। गुड जॉब यार, गुड जॉब, हील करने का समय उनको जरूर मिल जाएगा और ऐसे में बूगी और फ्लेक्सी देखना है कि क्या वो कुछ बेहतर करके जा सकते हैं। ओए होए होए निंजा बॉय, एक्सेलेंट ट्रेसिंग ब्रो, एक्सेलेंट ट्रेसिंग निंजा बॉय के द्वारा। एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ये एमवीपी निंजा बॉय इज अ किलिंग मशीन यार, और एक बार फिर से वो शाइन करते हुए नजर आएंगे। एक और नॉक जो उनके द्वारा निकाला गया, लुक्स लाइक वो फ्रैग भी मिल गया निंजा बॉय को, तीन फ्रैग्स, भूख तो खैर मिटी नहीं है अब, इट्स गोना बी अ 1v1 बिटवीन और वो गाड़ी एक बार के लिए उछली थी उसके like बाद एम था वो हिला ही नहीं, वो उसी गाड़ी पर रहा
और बिल्कुल भी संदेह होगा नहीं अगर फ्लेक्सी इज गोइंग फॉर द रेव, फ्लेक्सी उनको भी निंजा बॉय के द्वारा ही एलिमिनेट करा जाए क्योंकि वो खिलाड़ी अभी निकल विल निंजा बॉय पुश वापस गाड़ी रोक दी। मीनवाइल वीएसटी वर्सेस 4MV आ भी सकते हैं पर संयम इसी बीच उन्हें नॉक किया गया और हमारा जो तीसरे सर्कल का शॉट निंजा बॉय इज गोइंग फॉर द लूट जा चुका है और टीम जी उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि रैंगल का सबसे हाईएस्ट जो पोजीशन माना जाता है वहां पर टीम जी अपना जो दबदबा है वो बना चुके हैं और वहां से नॉक्स निकालते हुए वो नजर भी आए पर वीएसटी सयम नॉक आदि नॉक क्योया एंड जेजे द लास्ट मैन स्टैंडिंग वीएसटी इज ऑन अ रोल एक्सीलेंट नेड फ्रॉम यादनेश एंड विद दैट एक ग्रेनेड 4MV बाहर वे उनका भी एलिमिनेशन जी हां कल के दिन पे हमने देखा था मां कसम फिनिशर्स लेके गए थे टीम वीएसटी कल भी और आज के दिन पे यादनेश कल भी अच्छा नहीं गया आज का शुरुआत भी नॉट सो गुड चार पॉइंट निकाले थे स्टार्टिंग में बट स्टिल यार सैयद इज डिस्कनेक्टेड हम नहीं जा रहे कहीं और वो अभी भी व्हाई इज सैयद डिस्कनेक्टेड कि वो जोन के बाहर है व्हाई एक मिनट का समय है उनको वापस जोन के अंदर आने की जरूरत है निंजा बॉय फाइनली फ्लेक्सी के द्वारा स्पॉट करे गए अरे बैन वैन खाया क्या ब्रो मजाक कर रहा हूँ कुछ खास बचा है बैन वैन नहीं खाया वो ज्यादा खेल नहीं सकते लुक्स लाइक उसका इंटरनेट गया के अंदर जाएंगे या फिर आप किसी टीम से भिड़ेंगे गुस्सा स्पोर्ट्स घुस गए भाई मौजूद नहीं शायद इज स्टिल डिस्कनेक्टेड बाय द वे टू ओजी उन्होंने देखा भी नहीं गाड़ी चेक भी नहीं करी कि गाड़ी के अंदर कोई है भी दे हैव नो आईडिया दे हैव एब्सोल्युटली नो आईडिया पता होने वाली है शायद इज जस्ट चिलिंग इन हिज व्हीकल ब्रो जी नहीं वो तो जो दूसरे खिलाड़ी शायद इज जस्ट चिलिंग आशीष और यहां पर आशीष देखो भाई जी और साथ ही साथ उनका गाड़ी के अंदर देखो एक फ्री किल पड़ा है बात करें तो वो गोसो ईस्पोर्ट्स के पास जाता हुआ नजर आएगा और उन्होंने इमेजिन सैयद सरवाइव कर लिया इधर क्या मजा आएगा शॉट लेने की कोशिश वो कर जरूर रहे थे इस ही स्टिल डिस्कनेक्टेड कि सैयद क्या उनको स्पॉट किया जा भाई सैयद ड्राइवर सीट पे बैठा है ब्रो गाड़ी का साउंड आएगा अब जब उनके पास वो आई एम नॉट श्योर हाउ फिर प्लान बी ही इज नॉट स्पॉटेड येट क्योंकि गोसो ईस्पोर्ट्स अगर हम बात करें कल के दिन की अरे भाई बच जाएगा मात्र 9 अंक वो लेकर के गए थे और अब इस नहीं देख लिया ऑफ कोर्स देख लेगा ब्रो वो ड्राइवर सीट में बैठा है ऑब्वियसली गाड़ी का साउंड आएगा ना ऑब्वियसली गाड़ी का साउंड आएगा सीट पर बैठा है तो आवाज बट लाइक रियली व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिस्कनेक्शन ड्राइविंग सीट पर है तो आवाज तो वैसे भी आ ही जाती है चलिए कम से कम भाई जैक्सन इज आल्सो स्पॉटेड लुक्स लाइक और तीन फिनिशर्स उनके पास नीचे से कवर तो मिल रहा है तीन खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत भाई जस्टिस पर सैयद यार चुका है इन सारी गलत और इसीलिए ऑलमोस्ट बच गया था लास्ट में पता नहीं क्यों एग्जिट करके उसने गाड़ी के अंदर चेक किया उसको डाउट आया लगा होता नहीं है और ये गाड़ी क्यों चल रहा है मौजूद नहीं थी मीनवाइल टीम जीरो वर्सेस इम्प्रिंट उनके ऊपर एक और मोलोटोव इम्प्रिंट कल भी बढ़िया खेले भाई करण भी लाइक भाई मैं ही मिलता हूँ क्या हर बार और अब स्किलफुल वो भाई फिनिश हो गया आशीष का नेड मिस हो सकता है क्या और अब घुसो इस फाइट को जीतने के बहुत ज्यादा करीब नाइस वन रे स्किलफुल नाइस वन भाई मरते मरते वो बचा क्या शानदार वो स्प्रे ये आ गया बैकअप देने विद दैट घुसो ईस्पोर्ट्स इज आउट एट #10 एंड जेन एक्स एफएम सर्वाइव्स एलिमिनेट किया हालांकि फ्रैगर का ग्रेनेड पहले गया था वहां पर स्किलफुल वो डाउन कर इम्प्रिंट बाहर एट #9 हार्ड लक बॉयज स्लाई कल भी कंसिस्टेंट थे आज भी कंसिस्टेंसी दिखा रहे Good job. यहां से भी बच सकते हैं या फिर नहीं बच 10 फिनिशेस फॉर सिली के साथ हाइड्रो जो डाउन किए गए थे वापस मोस्ट प्रोबब्ली चिकनर भी यही निकालेंगे वीएसटी का डैजल नॉक उन्होंने भले ही हल्क ने भले ही डैजल को डाउन करा 11 फिनिशेस फॉर सिली उन्होंने डैजल को देख लिया और मुझे लगता है इट्स गोना बी ए 3v 2v1 सिचुएशन के पास 5 प्लेसमेंट पॉइंट थे और 4 फिनिशेस के साथ गए थे हाइड्रो नॉक 4 फिनिशेस आए फ्रॉम स्किलफुल वो 3 प्लेसमेंट पॉइंट जी हां लेकिन अभी के लिए अगर आप बात करें जेनएक्स एफएम की
ये चिकन डिनर इनका भी हो सकता है आज भाई। तारीफ करनी पड़ेगी स्किलफुल एंड जेडी का, ये लोग कब से सर्वाइव किए बे, कब से सर्वाइव किए। घुसो स्पोर्ट से लड़े उस टाइम पे 10 टीम सर्वाइव कर रहे थे, उधर से वो टू मैन इधर तक लेके आए टीम को। नाउ इट्स अ 2v2, ये बंदा हील बैटल करेगा लेकर के एक खिलाड़ी है जो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्किलफुल उनकी पोजीशनिंग पूरी तरीके से रिवील्ड आउट, इनफैक्ट दूसरे जो प्लेयर है वो भी व्हीकल लेकर के घूम रहे हैं और जेडी गेमिंग उनका वो कॉन्फिडेंस हम पहले भी देख चुके। फ्लेक्सी एक कोशिश थी जरूर, फ्लेक्सी गया। नाउ इट्स अ प्रॉपर 2v2 करने की, लेकिन वो कोशिश मात्र ओए होए 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 वो फाइनल जोन गया 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 इन्फर्नो गया एफएम की, जहां पर इन्फर्नो वो सर्कल के बाहर ही डाउन हो जाएंगे ब्रो। और ये चिकन डिनर जेनेक्स एफएम के खाते। नाउ इट्स अ 1v2 राइट, तो वैसे भी उन्होंने देख लिया कि वो खिलाड़ी आया कहां। रणवीर वर्सेस स्किलफुल एंड जेडी एंड हिज लोकेशन इज स्पॉटेड कनेक्शन बना सकते थे, एंड विद दैट इट्स अ विनर विनर चिकन डिनर फॉर जेनेक्स एफएम ब्रो। क्रेजी डुओ खेला भाई, क्रेजी डुओ खेला इस मैच में स्किलफुल एंड जेडी। Excellent duo, bhai. Excellent duo. Well played, bhai. Well played. This was much needed for GenX FM. Kal sirf 15 points the inka. Ab sirf is match mein 20 point mil gaya. Good job, guys. Good job. Chalo, ab badhte apna match 2 ki taraf. VST versus Global Esports. Ek finish mil gaya already. Global Esports ko. I think G will take this fight. Of course they will take this fight. Dazzle bhi knock ho gaya. Snacks and Yadnesh are the last men standing. जी विल बी पुशिंग ब्रो, जी पुश करेगा 100% करेगा। पिछले मुकाबले में वीएसटी डू दे नीड बरकरार रखी थी उनको, यस दे नो द लोकेशन, दे नो द लोकेशन, दे आर स्लैमिंग मावी निंजा बॉय एंड स्लग, वेयर इज बीस्ट। अन्यथा ग्लोबल ईस्पोर्ट उनको रोक पाना असंभव रहेगा। जी हाँ, बड़ी सी बीच अगर आप देखें, बीस की पोजिशनिंग बहुत ज्यादा कमाल की थी। तीन प्लेयर सामने से और एक खिलाड़ी एक डिफरेंट एंगल से अप्रोच रख रहे हैं। स्नैक्स ग्रेनेड ही एकमात्र सहारा है जो इन्हें बचा सकता है, बट स्नैक्स लो है, ग्रेनेड आ सकता है, आपकी भी तो मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है। और वही हमें यहां पे होता हुआ देखने को मिला, बीस्ट भी आ गया। इट्स अ प्रॉपर 2v4 सिचुएशन, अटैक करते हुए वीएसटी की तरफ और ऐसे में इनका बच, वाह याद नहीं गया, स्नैक्स इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, किल कर लिया उसने, संभाले डैमेज जरूर से दिया गया लेकिन नॉक जो चाह रहे थे वो मिला। स्नैक्स ने क्रॉक किया, वो एंगल मिला। कैन ही कंफर्म द फिनिश, कैन ही कंफर्म द नॉक, क्या बात है ब्रो, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब। इंस्टेंट पेटी भाई, एक व्हाट, अबे कवर में गया था यार, कवर में गया था वो, थोड़ा सा बॉडी दिख रहा होगा भाई। बहुत सेक्सी मारा बीस्ट विंडो से, बहुत सही ब्रो। इट वाज अ प्योर 1v1 अगेंस्ट स्लग एंड स्नैक्स ओन स्लग इन दैट 1v1 लिटरली। निंजा बॉय का FPP लगा के ही वॉज वेटिंग फॉर हिम टू शो अप एंड ही डिड एंड बहुत सही नॉक किया, बट स्लग को बहुत प्योर 1v1 लिया उसने, बहुत प्योर 1v1 हो चुकी है। एक के बाद एक जो फाइट हम VST को अच्छा पॉइंट्स चाहिए भाई इसके बाद, और एक एक ही मैच बचा है उनके लिए, तो आई होप दे डू गुड इन दैट मैच। इस्तेमाल कर सकते हैं। मीनवाइल 4MV वर्सेस टीम 0 स्काउट नॉक, सयम नॉक, बट सयम नॉक खाया है किसी और की तरफ से। हालांकि स्काउट अभी भी वो नॉक्ड आउट है, उनको रिवाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। जैक्सन काफी ज्यादा लो ऑन एचपी पर, सर्कल की एज पे पहुंच चुकी है टीम और 4M अभी भी उनके सामने एक चुनौती बन के बैठी हुई है। क्योया की बात करें, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि भाई 4MV इस तरीके से मार खाएगा, लेजिट बता रहा हूं मैं। अभी तक हमने देखा लेजिट बेहतर वो गेम पे दिखा नहीं पाए, ग्रेनेड उसका आदान प्रदान होता हुआ, बट क्योया अभी क्योया द लास्ट मैन स्टैंडिंग लुक्स लाइक इट। और मल्टीपल ग्रेनेड्स आ रहे, एक बेहतर कनेक्शन वहां पे वो दरकार थी जो कि अभी तक मिला नहीं है। एक और ग्रेनेड का अटैक और यहां से वो स्प्लैश आ गया, नेड आ गया, जरूर हमें देखने को मिलेगा। जी हां, one more and that will be it. तो निकलेंगे कैसे, व्हीकल जरूर से जो कि ऑलरेडी एक ब्लास्ट कर दिया गया, एक डैमेज है, हालांकि हल्क के पास हेलमेट नहीं है और देखना ये कि वो क्या कर पाएंगे, बट क्योया व्हीकल क्या बचा, क्योया कोशिश करे तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया, बच पाना उनका नामुमकिन ही, उतार दिया। आदि इज गोइंग फॉर द हील बैटल, एक ओपनिंग क्रिएट करके 8 बिट वर्सेस अल्फा 6 टीम के ऊपर से आने वाली है और इग्नाइट का बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। बिल्कुल कॉर्नर्स पे जा चुके हैं, इन्हें इस बात का कहने का अंदाजा लग चुका है कि ऊपर से शॉट्स आ सकते हैं और इसी के कारण थोड़ा संभल के यहाँ पे अपने आप को रखे वो बेहतर। जोन डैमेज इज वेरी हाई, एक्सेलेंट नेड फ्रॉम अल्फा 6 और उसके चपेटे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स बाहर। खिलाड़ी आ गए
कमाल का वो ग्रेनेड था, बस मैं देखना चाहता भाई द कंसिस्टेंसी ऑफ सिली स्पोर्ट्स इज फ्रीकिंग इनसेन यार। हर मैच में टॉप 5 टॉप 3 विनर विनर चिकन डिनर भाई, हैट्स ऑफ यार सिली स्पोर्ट्स, हैट्स ऑफ। वही अल्फा 6 की बात करें, क्या बेहतरीन ग्रेनेड का वापस इस्तेमाल, बस यही कंसिस्टेंसी सेमीफाइनल्स फाइनल्स तक मेंटेन करना, मां का सब मेरे को मजा आएगा देखने में। ह्यूज पोटेंशियल फॉर सिली स्पोर्ट्स, और क्या बेहतरीन कमबैक जो हमें अल्फा 6 के द्वारा देखने को मिल रहा है। हालांकि आरबीएनसी के डायनामाइट इस बीएमपीएस में सो फार एक अंडरडॉग टीम शाइन किया, मतलब दैट इज सिली स्पोर्ट्स फॉर मी एट लीस्ट। क्या वो जाते जाते, दिस इज द फर्स्ट मैच दैट टीम जीरो इज सर्वाइविंग टू मैन इन टॉप 4, तो आई होप दे डू गुड, बट मुश्किल लग रहा है। अगला जोन कहां लेंगे, जोन स्टार्ट हो चुका है। विक्स की जोन विक्सी जोन से गया, व्हाट वाज दैट ब्रदर। चार प्लेसमेंट के अंक टीम बी के पास जाएंगे जरूर, बस एक उनके पास बढ़िया हाइट एडवांटेज है। नाउ इट्स अ 4v2v1 सिचुएशन, मुश्किल है उनके लिए बहुत ज्यादा। सिली का एक ही बंदा बचा है, एक खिलाड़ी जो उनके सरवाइव कर, दैट्स अक्षु के अंदर वो बैठे जरूर है, बस देखना ये है कि कितनी देर तक वो वहां पे सरवाइव कर सकते। एक बंदा हील बैटल कर रहा है जोन के बाहर, हाउ लॉन्ग कैन सिली सरवाइव। 3 अंक निकाले और अब चिकन डिनर उनकी झोली के, द आंसर वाज 2 सेकंड्स। तारीफ करनी पड़ेगी आरबीएनसी के डायनामाइट, कब से हील बैटल कर रहा है भाई, किस्मत देखो इसका, इसका आखिरी फर्स्ट रेड उससे पहले ही मर गया था वो। सक्सेसफुल हील बैटल, हैशटैग 2 आ गया। तुम्हें बोल रहा था कि इनकी कोशिश अल्फा 6 विनर विनर चिकन डिनर, ऑलमोस्ट करने में कामयाब हो सकते। गुड जॉब अल्फा 6, गुड जॉब। आज के दोनों की दोनों मैचेस अंडरडॉग्स ने निकाला विनर विनर चिकन डिनर। अब सिर्फ इस ग्रुप का एक ही मैच बचा है, एंड आई रियली होप 4MV गेट्स अ विनर विनर चिकन इन दिस मैच। चलो देखते क्या होगा इस मैच में, लेट्स गो। लेकिन क्या वो सर्कल के अंदर आ पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। 8-bit वर्सेस जेनेक्स एफएम हो रहा है, जेनेक्स एफएम का दो बंदे नॉक, ये सर्कल जाने की माइटी, यहां से कोई एक दो फिनिशर्स, टू मैन स्ट्रांग। माइटी की बहुत अच्छे फॉर्म में चल, इंप्रिंट का और एक बंदा गया, इसे किया गया लेकिन इंफॉर्मेशन के माइटी इज पुशिंग, देखने को मिलेगा एक लड़े को डाउन किया गया, मार दिया, वन वी फोर तक अकेले ही यहां पे माइटी बन जाएंगे चार। आई थिंक लुक्स लाइक इट्स अ 1v4 बहुत ज्यादा बाय माइटी अगेंस्ट जेनेक्स एफएम। और जैसे पता हो पुराने दिखा है कैमरामैन, बट करने वाले वो खिलाड़ी जितना मेरे को लग रहा है वो 1v4 है, उससे पहले ही वो आगे बढ़े। 4M डोमिनेट किया गया, और टू मैन सर्वाइविंग आदि एंड जैजी, आदि उन्होंने अपने आप को हील किया। क्योया No, sorry. It was not two man. Kyoya bhi hai. Bro, I am only rooting for 4M's chicken dinner. Bhai, dekho. Dekh. Fir wapas kya ho raha hai 4M ke saath? रिवाइवल अभी भी संभव हो सकता है, पर वीएसटी इतना सब कुछ होने के बावजूद रावण वो टीम अभी भी इस मैच। I really want 4MV to get the winner winner chicken dinner, but जिस तरीके से उनका गेम जा रहे यार, ये क्या पूरे रडार में आए, एक स्प्रे में एक नॉक, दूसरे स्प्रे में मुश्किलें हो। क्यों इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग नाउ, बचे हुए खिलाड़ी उनके आसपास है नहीं, जिसके कारण वशिष्ठा दो टीम से लड़ रहा है एक साथ। और यहां से प्लीज उन्होंने सिस्टा बोल रहा है यार, वीएसटी जो रिवाइवल की उम्मीद, वीएसटी दो टीम से एक साथ लड़ रहा है, एक साइड से सिली मार रहा है, दूसरी साइड से इम्प्रिंट। तो सर्कल जाना और सर्कल जाने के लिए आप देखिए एक पूरा ओपन ग्राउंड हमें देखने को मिल रहा है, हार्ड कवर कुछ है नहीं, मैं बहुत पहले ही इस चीज को मेंशन किया था, और अब तो पूरे पूरे ओपन में वो दो खिलाड़ी। स्नैक्स इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर वीएसटी। मैं तो बस मैड्रिक को देख रहा हूं कि वो जो सर्वाइवल गेम है कितना ज्यादा बढ़िया रहा, और वो दिक्कतें बहुत ज्यादा खड़ी कर रहे हैं। मैड्रिक जोन से गया, Snacks is probably going to go for the heel battle as well. Thought so. Because इसके ये पिंड है, ये पिंड है। अगर यहाँ पर भाई सिली स्पोर्ट्स, भाई वापस चिकन डिनर निकालने वाला है क्या सिली स्पोर्ट्स? वो भी डाउन कर दी गई, क्यों यार? You gotta be kidding me. वो भी डाउन, माइटी उनको भी एलिमिनेट किया। Wow. और सिली इस मुकाबले में। I am beyond impressed, भाई. I am beyond impressed by सिली स्पोर्ट्स. This can't be coincidence, right? This can't be a coincidence. VST hashtag 3. Dust finishes. अगेन हाइड्रो, क्या बात है ब्रो, एक और ब्रो, छह मैचेस खेले थे ये, सब कुछ बहुत ज्यादा, आई थिंक 3 चिकन डिनर निकाले ये, 3 दैट आई कैन थिंक ऑफ। व्हाट अ नेक्स्ट लेवल कंसिस्टेंसी बाय सिली स्पोर्ट्स की तरफ से, नेक्स्ट लेवल कंसिस्टेंसी। दे आर नॉट अंडरडॉग्स, दे आर अंडर गॉड्स। मजा आया ब्रो, मजा आया। इन्फर्नो, हाइड्रो, अक्षु एंड रणवीर ओजी, गुड जॉब गाइस। बस यही कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सेमीफाइनल्स फाइनल्स तक, ऑल द बेस्ट। चलो विद दैट, ग्रुप 2 के 6 मैचेस खत्म हो चुका है,
अब बढ़ते अपना ग्रुप वन का मैच फोर की तरफ, लेट्स गो। भाई मैं तो ओवरऑल स्टैंडिंग्स देखना ही भूल गया, लेट्स टेक अ लुक। वी हैव टेबल टॉपर सिली ई-स्पोर्ट्स विद 89 पॉइंट्स इन 6 मैचेस, व्हिच इज फ्रीकिंग इनसेन। उसमें से तीन विनर विनर चिकन्स निकाला, क्रेजी। फॉलोड बाय 8bit, एक ही चिकन बट स्टिल 82 पॉइंट्स, क्रेजी। फॉलोड बाय ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, Genx FM, good comeback from Genx FM. Followed by IG underdog team, VST top 6 में आ गया, nice. And 4MV, 4MV 35 points निकाला क्या? ठीक है, good comeback. And बाकी teams का भी आप देख सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं अपना group 1 के matches की तरफ, let's go. TMG के skeleton position उनकी reveal हो, चलिए बाकी players हैं। क्या उतारा है बे Venom ने? बहुत sexy. और एक उतार दिया Phantom ने. दूसरे खिलाड़ी वो भी। TMG is in big big trouble. Godstrain नहीं छोड़ेगा, Godstrain नहीं छोड़ेगा। देखना ये कि डेविल वो कितनी देर तक सरवाइव करेंगे। व्हाट विल टीएमजी डू? उनके पास ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया पोजीशनिंग है, डेविल उनके करीब वो ग्रेनेड जा सकता है। अरे बाप रे, एक एचपी वो अंदर करना चाहता है, बट भाई मिस्टेक बाहर आके एक एचपी कर दिया। और कल भी हमने ये फाइट देखी थी रैंगल में, टीएमजी वर्सेस ढंग से कैंसिल भी नहीं करने दिया भाई। टीएमजी वर्सेस गॉडस्ट्रेन देख पा रहे हैं जहां पर दो खिलाड़ी, अब टीएमजी का दो ही बंदे बचे। लुक्स लाइक एक बंदा रेव हो गया, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन उनका नाम, बट शुड बी एन इजी स्क्वाड वाइप फ्रॉम गॉड्स रेन, बिकॉज शैक इज नॉट ए डिफेंडेबल, शैक इज नॉट ए डिफेंडेबल प्लेस ब्रो। देखो एक मिनट से दो बंदे गए, एंड विद दैट गॉड्स रेन चार किल निकालते हुए ले 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 ले, दो बंदे नॉक, गॉड्स रेन भी और मेडल भी मिलके मारे भाई ईफोरी को। जिस चीज की हम चर्चा कर रहे थे वो हील बैटल, उसको प्रायोरिटी, एक ही बंदा बचा है ना, साय की वो एक प्लेसमेंट पॉइंट, नहीं साय और हंटर दोनों बचे ईफोरी का, काफी ज्यादा प्लेसमेंट पॉइंट्स लेके जाने का रहेगा आसानी से, पर टॉप डॉग साय भी गया, दैट मींस हंटर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर ईफोरी दिलाने की। पर अगर वो जितने खिलाड़ी को नॉक करे थे उनमें से अगर एक आग को भी फिनिश कर पाते उनकी टीम के लिए ज्यादा। गॉड ट्रेन वर्सेस K9 स्क्वाड, दिस इज गोना बी अ बिट टफ। साय फिनिश हो गया, रिनोशिया उनका जो एलिमिनेशन, दिस इज गोना बी अ बिट टफ फॉर K9 स्क्वाड। और आई फॉर आई के खिलाड़ी अभी भी इस मैदान में मौजूद है। Venom भाई ऐसा मारोगे तो हैकर बोलेंगे भाई, हत मारो। है कि उनके पीछे एक और टीम है और उनके सामने एक और टीम है, क्योंकि K9 के साथ वो पहले से ही फाइट लेते हुए दिखाई दिए थे। दोनों तरफ फाइट ले तो रहे हैं, और सबसे अच्छी बात की वन थिंग इज फॉर श्योर, वो सर्कल के अंदर गॉड स्ट्रेन तो मचाने वाला है इस टूर्नामेंट में। सर्कल के अंदर आने की जरूरत है और उसके लिए काफी बहुत ज्यादा टूर्नामेंट से दिस टीम इज कुकिंग, उतनी कम रहेगी तो। एंड आई थिंक दिस इज द टूर्नामेंट वेयर दे विल शाइन, रियली शाइन। फाइनल्स तो पक्का जाएगी गॉड स्ट्रेन, ठीक है, दैट इज माय प्रेडिक्शन। गॉड स्ट्रेन तो पक्का जाएगी फाइनल्स में, को फाइट लेनी पड़ेगी एमजे, वो एक बढ़िया पोजीशनिंग, एंड आई होप टॉप 3 रहे गॉड स्ट्रेन, आई होप। और अब उनको वो आई एम विशिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वहां से पीछे जाना पड़ेगा और वो भी एक बहुत बढ़िया जो एक कोशिश है वो गॉड, बस ग्लोबल ईस्पोर्ट्स एंड आईकुसल को टक्कर दे। फोर किंग्स की ये फाइट होना लगभग तय है, जहां पर एक ओपनिंग नॉक आया है काफी बढ़िया जो कवर फायर से वो भी दिए गए टैंगो को। ड्रैगन ईस्पोर्ट्स का काइंड ऑफ बैलेंस अच्छा है, पता वो जिम्मेदारी है कि वो रिवाइवल को एग्जीक्यूट करे, बैलेंस्ड टीम है ड्रैगन ईस्पोर्ट्स, क्योंकि जिम जैम खाते ना ये लोग मैच से पहले, मैच के बाद जिम जैम खाते हैं। होने वाली है क्योंकि अगर आप यहां एलिमिनेट हुए कर दिए पुश, प्लेसमेंट पॉइंट आपको मिलेगा। पर जिस तेजी में गाड़ी लेकर दोनों खिलाड़ी आए मुझे लगा कि एक बार के लिए रुक सकते हैं। अबे डीबीएस से उतार दिया उसने, ले लिया रुकने का, और वो बिल्कुल डोरा ओपी इज लास्ट मैन स्टैंडिंग। आपने यहां पर नॉक किया था, लो है डोरा आगे गए। वन वन ज्यादा हुई, हालांकि लेट्स फ्रीकिंग गो बे, जोन के बाहर जाके मारा उसने। हाइड्रा के टाइम पे भी यही करता था, अभी भी यही कर रहा है डोरा ओपी, फैंटास्टिक जॉब ब्रदर। और साथ ही साथ वो जो रिवाइवल है वो भी एग्जीक्यूट हो सकता है, तीन फिनिशेस निकाला उसने। 1v7 मेरे को याद आ गया जो ये बीजीआईएस के अंदर सारे रेव हो जाएंगे। हंटर इज डूइंग अ हिल बैटल, वो सेवियर का रोल कर अदा करेंगे अपनी टीम के लिए। इज अ वेरी गुड असॉल्टर डोरा, उनके चांसेस सबसे ज्यादा है इस मुकाबले में चिकन डिनर निकालने के। पैराडॉक्स की सब ड्रैगन स्पोर्ट्स 3 मैन हो गया तो मिनिमम भी दो अंक कहां 3 मैन होने देंगे। गॉड चेन आ गया, उनको डाउन किया गया, जो फिनिश है वो भी सिक्योर, दो बंदों को डाल देना। और अब देखना ये कि K9 वो जोन जिम जैम जोन से फिनिश हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक डोरा अकेला बचा है, वो अपनी टीम को तीसरे पायदान तक तो ला सकते हैं। एम बॉट ने उस पे स्लैम कर दिया, जल्दी शुरू होगी अकेला, एम बॉट वॉल मार भी दिया किंग को, उन्होंने डाउन किया। और जैसे मैं चर्चाएं कर भी रहा था कि ये फाइट बहुत जल्द, एम बॉट व्हाट आर यू डूइंग ब्रो, नहीं थी
सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा है बीएमबीएस में इस बंदा, सोलो वर्सेस स्क्वाड। आखिर में खाया नेड, गॉड ट्रेन को कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही भी, सारे टीम्स मिलके ना आपस में लड़ रहे, गॉड ट्रेन दे आर मेकिंग इट लुक सो इजी, दे आर मेकिंग इट लुक सो इजी। एफर्टलेस गेम प्ले भी, उनका हेलमेट वेस्ट देखो, ये लोग लड़ रहे क्या, लड़े फ्रेश है, वेनम का तो पूरा फ्रेश है हेलमेट वेस्ट। एक भी खिलाड़ी गवाया नहीं है, फैंटम 12 फिनिशेस, कम ऑन यार, कम ऑन, और चार फिनिशेस उनके खाते में भी जाएंगे, कम ऑन। देखता ये कि K9 सैप इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, ही इज गोइंग फॉर द हील बैटल। तीन ही बंदे बचे, तीनों सोलो सोलो बंदे हैं, सारे हील बैटल कर रहे हैं। हमने इनकी तारीफ की थी जहां पे वो फिनिशेस लेके गए थे, ड्रॉप ही गया। जब कुछ अन्य, अब दो ही बंदे बचे, एक मेडल दूसरा K9, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये। अभी भी उनकी भूख गई नहीं है, वो चाहते हैं कि कोई। एंड मीनवाइल गॉड ट्रेन इज जस्ट चिलिंग, देखो फ्रेश हेलमेट, फ्रेश वेस्ट, चलिए उनको स्पॉट करके डाउन किया जाएगा। और पैराडॉक्स नहीं मार पाया, वो जोन से गया। अपनी टीम के लिए दो फिनिशेस के साथ सबका फ्रेश हेलमेट वेस्ट भाई, इन लोग ने लड़े ही नहीं फाइट किसी से ढंग से, यानी कि लड़ना पड़ा ही नहीं इनको, फ्री का किल्स मिले इनको। तीन मैचेस में हमने उनके पास 9 पॉइंट्स देखे थे, जिनके लिए पैराडॉक्स भाई, सामने तीन बंदे दिख रहे हैं और कितना फर्स्ट एड मारोगे, इक्का डब्बा। और आज के दिन का पहला मैच जहां पर गॉड ट्रेन चिकन डिनर, खुद को वोट डाला फैंटम ने, खुद को फोड़ लिया। एंड विद दैट इट्स अ विनर विनर चिकन डिनर फॉर गॉड ट्रेन विद 13 फिनिशेस। गुड जॉब यार, गुड जॉब। मेरे को बस ये अब ये देखना है कि क्या गॉड ट्रेन सिली स्पोर्ट्स का रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, which is 89 points in 6 matches, बस वही देखना है मुझे। बाकी ये तो strong team तो है ही, still a few T1 teams are struggling, सिर्फ उनके लिए दो ही मैच बचे। चलो अब बढ़ते अपना मैच 2 की तरफ, मेडल वर्सेस गॉड ट्रेन, दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग। क्या बात है मेडल, क्या बात है, मार एक एक करके खिलाड़ी को खत्म करेंगे। वेल प्लेड मेडल, वेल प्लेड, मच नीडेड था ये मेडल के लिए। Without any casualty, they have eliminated God's Reign. 7 finishes. Good job. बस इनको बस जोन जाना है, क्योंकि next zone damage is going to be very high. बस सही जगह ले ले, 4 man है, convert कर सकते हैं इस match को. Meanwhile, Vasista is kind of struggling against Dragon Esports. Vix की knock पड़ा है, 30 second में zone आने वाला है. उठा के भाग रहा है भाई Vix की को. और ऐसे में अब देखना है, चलो रैप दे देगा शैडो। वाइपर बोलते उनको डाउन किया गया, K9 स्क्वाड उनके पास भी बहुत बढ़िया एरिया। जोन का अगला शिफ्ट एक साउथ ईस्टर्न शिफ्ट रहेगा, लेकिन ओए प्यारा नेड था बे ट्रिगर, बहुत प्यारा नेड था। प्रिसिजन ऑन पॉइंट विद दैट ड्रैगन ईस्पोर्ट्स इज आउट एंड #10। क्या कमाल का ग्रेनेड, वसिष्ठा को भी अच्छा मैच निकालना पड़ेगा ये वाला। Two men surviving E4E. Meanwhile, K9 has pushed on UC. अरे, believe भाई, believe kind of choke किया इधर. Instant PK डाल दिया believe का. Nice one Zap. डाल डब्बा. Nice. UC are in trouble. Nice one. ये Zap frag कर रही भाई. बढ़िया मारता है। Meanwhile, E4E का Hunter and Demigod. दे रहे टोचन TMG को, but the zone has begun, they need to leave. Viper बोलते is the last man standing for UC, and वो बहुत low है। भी उनको वो angle check करके रखना पड़ेगा। Zap फंस चुके हैं। Zap ने 1v3 कर दिया भाई। पीछे हट नहीं सकते, right जा नहीं सकते, तो करेंगे। Meanwhile, E4 is also out at #5 or 6. ओए TMG की लग गई। Franklin आखिरी बंदा है। खूब backup हमें देखने को मिल रहा है K9 के बाकी players के। डाल दिया। Instant trade लिया क्या? किसने लिया ट्रेड? पीछे है वो कवर फायर देने की गुंजाइश जरूर इनके तरफ से रहने वाली। इट वाज MJ, उनके खिलाड़ी एक एक करके। केरन का आखिरी बंदा है MJ, फटफट रेप देना पड़ेगा। इट्स ए 1v4v1 सिचुएशन। INS शुड बी पुशिंग राइट नाउ, INS शुड बी पुशिंग राइट नाउ ब्रो। किल फीड रीड किया तो जोन इज अबाउट टू बिगिन। एम बॉट नॉक, MJ इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग अगेन। और MJ अब वो एक पीछे से जोन, आगे से चार बंदे, व्हाट कैन ही डू। और ऐसे में निर्वाणा की अगर हम बात करें, उनके पास मात्र एक बढ़िया सॉल्यूशन निकाला इसने, हील बैटल। तो निर्वाणा को तो निर्वाणा इज गोइंग फॉर द हील बैटल एज वेल, बट उसके पास हील्स ही नहीं है, वो करना पड़ेगा। बट देखना ये कि MJ क्या वो एक कोशिश करने वाले। चलिए चलो कम से कम #2 लेके आया MJ, फायदा होगा नहीं,
टू एक्स्ट्रा पॉइंट्स, किल भी नहीं दिया, विद दैट इट्स अ विनर विनर चिकन फॉर आईएनएस। उतने फ्रैग्स नहीं है, आई थिंक तीन या चार थे ना, आई थिंक चार है इनबॉट के किल के साथ। यस दैट्स 14 पॉइंट्स, स्टिल अ डिसेंट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स फॉर द क्वालिफिकेशन। गुड जॉब आईएनएस। एंड इस ग्रुप का अब सिर्फ एक ही मैच बचा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, उसके बाद देखते हैं अपन ओवरऑल स्टैंडिंग्स। चलो बढ़ते हैं अपना फाइनल मैच ऑफ द डे की तरफ। चैट में कौन किसको चीर कर रहा है, रौनक नॉक पड़ा है, चैट में चल रहा है E4E। लेट्स गो यार, लेट्स गो विद द चैट। जिनको भी नहीं पता E4E अपना टीम ही है, आई एम द फिफ्थ प्लेयर ऑफ E4E। कि वो नॉक किस तरीके से निकाल पाएंगे, क्योंकि आर्यन वो आगे जरूर गए, लेकिन दे आर अंडररेटेड, दे आर गुड, इसी के कारण वो पीछे, बट आई विल नॉट बी बायस्ड हियर। आई थिंक आरआईपी निकालना चाहिए ये वाला मैच, विनर विनर चिकन डिनर। ये जोन फेवर है उनके ऊपर, उनका स्प्लिट भी ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मीनवाइल हंटर तो नहीं रुक रहा है भाई, हंटर तो मार ही जा रहा है, मार ही जा रहा है। सात सात आठ फिनिशेस तो हो गया E4E का। वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम एक नॉक निकाला जाए अपनी टीम के लिए। क्या चिकन का कर्स, फाइनली द फाइनल मैच, मैच सिक्स में ब्रेक होने वाला है क्या? जितने फिनिशेस की जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा वो इस टीम में सारे वेटरन प्लेयर्स है बे। K47 रौनक, जिनको भी नहीं पता दिस इज सोल रौनक के पास बचेगा K47। एक बार फर्स्ट एंड वी आल्सो हैव गोस्टी, ये भी पुराना प्लेयर है, जो जोन है उनके पीछे आ चुका है, वो गाड़ी लेकर वापस वहां से। हंटर नॉक, आरएपी वर्सेस E4E फाइट चल रहा है गाइस। हंटर नॉक, व्हाट अबाउट डेमिगॉड एंड साय? साय आल्सो गॉट नॉक्ड। अब डेमिगॉड इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। वो आगे गए और वापस पीछे चेक करने के लिए आए, पर जोन के अंदर K47 पहले से। अबे निर्वाणा 1v2 किया, डेमी भी गया, दैट मींस E4E इज आउट एट #6। नाइस ट्राई गाइस, नाइस ट्राई। एनडी अपने आप को वेट कराया और उसके बाद सोच रहे थे कि एक समय आएगा कि वो जोन, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा फेवर है बे आरएपी पे। दे टुक अ चांस, इट डिडंट वर्क आउट, इट्स ओके। सात फिनिशेस, #5। बहुत बेहतर यहां पे। अगर आखिरी में एक ही बंदा बच गया फाइट में एंड उस आखिरी बंदे को मार दिया अपोलो ने, तो चिकन डिनर बन सकता है। वी हैव सीन दिस हैपन बिफोर, तो लेट्स सी, द जोन हैज बिगन। आई बाय फ्रैंकलिन भाई, वो जिगल क्या था, वो मुझे मारो वाला जिगल था वो, इसने मार भी दिया। अपोलो डज नॉट हैव एनी फर्स्ट एड, लुक्स लाइक अपोलो के ऊपर भी शॉट कनेक्शन, डैमेजर मजबूर है, तो आगे दे दिया किल K47 को, गलती करके वो फिनिशर निकालते हैं, बट ये ग्रेनेड, मुझे लगा वो नेड से दो बंदे फटने वाले हैं के लिए दोनों ही खिलाड़ियों को। RIP थोड़ा लेट है जोन के अंदर आना। TMG is barely surviving. One good nade and दोनों बंदे नॉक हो सकते हैं। और आसानी से स्केलेटन और आर्यन दोनों खिलाड़ी यहां पर एलिमिनेट किए जा सकते हैं। स्केलेटन हैज नो फर्स्ट एड, लुक्स लाइक ओए नॉक हो गया स्केलेटन। इससे पहले कि वो अपने आप को हील कर पाते, वो ग्रेनेड उनकी तरफ आया और लग गई टीएमजी बाहर। उन्होंने आर्यन को देख लिया और डाउन कर दिए गए और आरआईपी भी, तो वो एक खिलाड़ी के वेल प्लेड बाय, वेल प्लेड आरआईपी, वेल प्लेड विद दैट, इट्स अ विनर विनर चिकन डिनर फॉर आरआईपी मिजो टीम। One of the oldest teams in this community, and much needed था उनके लिए इस final match में comeback करना। And with that, day 2 के सारे matches खत्म हो चुका है। Now it's time for the overall standings. देखते कौन से teams safe में हैं and कौन से teams खतरे में हैं। Let's go. And we still have Silly Esports on top with 89 points, followed by 8bit. God's Reign 60 points ही इकट्ठे कर पाया in 6 matches. They got 2 winner-winner chicken dinners. And we also have E4E at #7. Good job, guys. So, इस दो groups का top 16 का cut-off है 32 in 6 matches. आज काफी teams ने comeback दिखाया. This is what esports is all about. Comebacks and that fighting spirit. कल से तो नया groups खेलने वाले हैं with 2 different set of teams. तो कल का chapter पे बहुत मजा आने वाला है. And with that, day 2 has come to an end. I hope you guys enjoyed the video. अगर तुम लोग को थोड़ा भी मजा आया ना भाई, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, पीस। अगर अभी तक वीडियो देख रहा है तो एक ग्लास पानी पीना भाई, पानी तो है ही नहीं इसके अंदर, रुक जा थोड़ा पी लेते। अब है ना।